अलावा आप भी नोट कर लें, दिस हैज टू गेट अ मीडिया कवरेज, अदरवाइज नोबडी इज बदर टू कम हियर, किसी को चटी नहीं पड़ी। तो दो हफ्तों में ये ढाबा बंद हो जाएगा, दो हफ्ते लगेंगे, कम लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। डुगरदानी एक डोगरी कजीन ढाकबा जो है इस समय मैं जो पटोली ब्राह्मणा में हूँ यहाँ पे खोला गया और इसका इनॉग्रेशन आज जो है वो इंदु कंवल चिप द्वारा जो लाइवलीहुड मिशन डायरेक्टर हैं और इसके साथ साथ कुबरानी रितु सिंह जी जो अशोका फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिल के इस ढाबे को चलाने का जो है वो कार्य शुरू हुआ और वहीं महिलाओं की बात करूँ तो उनको फाइनेंशियली किस प्रकार से इम्पावर किया जाए और किस प्रकार से सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूट को ऐड ऑन किया जाए उसके तहत ये ढाबा खोला गया। और कहीं ना कहीं लोकल डोगरा कुजीन की बात करूं तो फोक की बात करूं तो उसके लिए एक नया स्टेप है। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम है ये देखें। देखिए ऐसा है कि ये जगह जगह हो रहा है, डुगरधानी एक उनमें से है, मगर इसका एक ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल हमारा रोड साइड है। और अच्छी बात और ये है कि इससे हम लोग पैक किया हुआ टिफ़िन भी देने की कोशिश में हैं। सो अशोक कपूर फाउंडेशन के साथ मिलके हमने ये शुरू किया है और रितु जी जो अशोक कपूर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं मेरे साथ खड़े हैं और इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने हमें बर्तन दिए, मूड़े वगैरह दिए, पेंट वेंट में हेल्प करवाए, इंटीरियर्स करे और उम्मीद की महिलाओं को खास शाबाशी है क्योंकि अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने का आइडिया अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। जय देवा, आज हम बहुत ही खुश हो गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डुगरधानी का ढाबा इनॉग्रेट हुआ है इंदु चिप मैम के हाथ से और हम दोनों आए यहाँ पे। और एक्चुअली यहाँ पे डुगरधानी का कॉन्सेप्ट 3 साल पुराना है, ये रियासी में भी खुला है पहले वाला और प्योनी में भी, और यहाँ पे इस एरिया के इस इलाके का सबसे पहला ढाबा आज खुला है। ये सब महिलाएं चलाती हैं और वो महिलाएं इसी एरिया से हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के हैं। और हम चाह रहे थे पांच लेडीज़ यहाँ पे कुकिंग करेंगे शुरुआत में और इसके बाद हम डब्बा सर्विस भी शुरू करने वाले हैं। इसमें हमारे जो फाउंडेशन है अशोक कपूर फाउंडेशन ने बहुत मदद की है, हमने यहाँ के बर्तने, इसके इंटीरियर्स और सब चीज़ें में काम हेल्प किया है। आगे भी हम हेल्प करेंगे, इनको बिजनेस भी देंगे। यहाँ के इलाके में बहुत सारे स्कूल्स हैं, ये हाईवे भी है, नेशनल हाईवे है, तो हम चाह रहे हैं कि इनका बिजनेस बहुत ही तरक्की मिले उनको और ये बिल्कुल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाएँ। इसे दो चीज़ें के मैसेज आती है जी, सबसे पहले और लेडीज़ का ढाबा है, इनको हम वो इंडिपेंडेंट कर रहे हैं और दूसरी बात हम डोगरी खाना को प्रमोट करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर श्रुति। हमने यहाँ पे ये जो ढाबा स्टार्ट किया इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलके टोटल 30 से 35 औरतें जुड़ी हुई हैं, जिसमें कोई यहाँ खाना बना रहा है, कोई चॉपिंग में हेल्प कर रहा है, कोई सब्जियाँ उगा रहा है, कोई मसाले बना रहा है, किसी SHG मेंबर का घर में ऑटो है वो हमें लाने ले जाने में मदद कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह की सुविधाओं के साथ हम लोग 30 से 35 औरतों को यहाँ पे हमने जोड़ा हुआ है जो ये ढाबा चलाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं और जिसमें ऑथेंटिक डोगरी कुजींस ही बन रहे हैं, डोगरी खाना ही बन रहा है और आज ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है। बहरहाल इस पूरे स्टेप को किस तरीके से देखते हैं हम, जहाँ जहाँ डोगरी कुजीन की बात करूँ, डोगरा धानी जो खोला गया ढाबा भड़ोली ब्राह्मणा में, आप इस तरह के इनिशिएटिव्स को किस तरीके से समझते हैं आज के युग में जहाँ लोगों के पास समय कम है, लेकिन अगर आपको लोकल ही डोगरी कुजीन आपको ढाबे से मिलना शुरू हो जाए तो उसके बारे में आपकी जो वैल्यूबल राय होगी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े रहें गर्जन बच्चों के साथ, मैं पंकज खजूरिया कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ, जय हिंद।